नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। लॉकडाउन का दौर है, लगातार लोग अपने घरों में हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। आमतौर पर यह सड़क कभी भी खाली नहीं रहती। रीवा की प्रमुख सड़क है, कॉलेज चौराहे से सिद्धू प्लाजा को जोड़ती है। जी हाँ, लॉकडाउन का बिल्कुल पूरी तरीके से रीवा के लोग पालन कर रहे हैं। शादी ब्याह पर प्रतिबंध, इसको लेकर मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्री ने भी कहा था शादियों से दूर रहिए, फिलहाल अभी शादियों को टाल दीजिए। अब मैं आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सीमा चाक घाट पर ले चलता हूं और दिखाता हूं वहां पर किस तरीके का नज़ारा है। गांव जाओगे, गांव जाने के बाद जो आपका क्वारंटाइन सेंटर है पंचायत में, आपको वहीं रहना है। आप घर में नहीं रहेंगे। तो देखा आपने पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था। अब यहीं पर चाक घाट से लगा हुआ सुहागी है, थाने से महज चंद कदम की दूरी पर। बीती रात वहां शादी हुई। कहा जाता है शादी एक रसूखदार परिवार की थी, इसलिए किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। जब इस बारे में SDM से बात की गई तो उन्होंने कहा हमें जानकारी हुई थी, हमने समझाइश दी थी, वहाँ पर किसी तरीके की शादी नहीं हुई, अगर हुई होगी तो हम संबंधित लोगों पर कार्रवाई करेंगे। हम आपको SDM की बाइट भी दिखाएंगे और वायरल वीडियो भी दिखाएंगे। वायरल वीडियो अपने आप में क्या कुछ कह रहा है, हम कुछ बोलें उससे ज़्यादा बेहतर है। वायरल वीडियो देखने के बाद, SDM की बाइट सुनने के बाद आप स्वयं तय करिए क्या सच क्या गलत। बताओ सफल कह दे चिल्लू ना मार यार, एक साम राजनीति होती अपना के लेके गए। हां सर फिर दिखा के हम बताओ सर, बहुत सनकी आदमी है। 200 ना 100 रुपया लिखो मेरा सर, खाना खवावा सर 500 चले। हां 200 को नोट दिया ना, मेरा टेबल बहुत खाली है, बड़ा बड़ा खोल दिए बढ़िया। आओ सब अरे चड्डा साहब कक्षा कला में कल सूचना मिली थी मुझे शाम को बल्कि रात में कि वहाँ कोई शायद वैवाहिक कार्यक्रम होना है। सूचना पर मैंने तत्काल ही PI सुहागी और नायब तहसीलदार चाक को भेजा था। वहाँ पे मौके पे तो कोई नहीं मिला, बट ये सूचना थी कि वहाँ कुछ शादी ब्याह की तैयारी थी जिसका कुछ फोटो वगैरह भी शेयर हुआ था, बट मौके पे वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है। ऐसा समझाइश उनको दी गई थी किसी भी तरह का कार्यक्रम वहाँ ना करें, शायद कार्यक्रम तो वहाँ नहीं हुआ है, बट वहाँ तैयारी थी शायद लोगों की। मौके पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है वहाँ पे, बाद में हमारे नायब तहसीलदार TI ने इस चीज़ को कन्फर्म किया है। लेकिन सर स्थानियों से जो हमारी बात हुई, हमने जब कंफर्म करने की कोशिश की इस खबर को लेकर, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि कार्यक्रम हुआ लेकिन जब स्थानीय प्रशासन पहुंचा उसके पहले ही उन्होंने कार्यक्रम निपटा लिया था। नहीं, हमारी तो टीम जब पहुंची वहां पे बिल्कुल, मैंने जैसा फोटोज भी आपको बताया है, टीम हमारी पहुंच गई थी वहां पे लगभग 9:15 के आसपास ही, वहां ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था।
और हम संबंधित जो भी सचिव जीआरएस हैं और पटवारी संबंधित को भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई आयोजन होता है कहीं भी किसी भी ग्राम पंचायत में तो वो बिल्कुल भी 144 का उल्लंघन है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी। पर इस मसले पे सर जो वीडियो आपने देखा, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भीड़ तो है सर? हाँ, ये तैयारी वो एक्चुअली मुझे लगता है जैसा उन्होंने बताया मुझे नायब तहसीलदार और डीआई ने कि तैयारी तो कर रहे थे लेकिन किसी भी तरह का आयोजन वहाँ नहीं हुआ है। बाद में मेरी टीम ने जाके कंफर्म भी किया है और वहाँ पे किसी भी तरह की शादी वगैरह कार्यक्रम नहीं हुआ है। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचने का यही एकमात्र इलाज है। अभी तक हमने ये करके दिखाया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।